ક્રુઝની મજા માણવા માટે તમારે બહાર નહીં જવું પડે. હવે મુંબઈથી દીવ અત્યાધુનિક ક્રુઝ સેવાનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે પ્રથમ ફેઝમાં 385 જેટલા પ્રવાસીઓ મુંબઈથી દીવ આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રવાસીઓએ ક્રુઝની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે ક્રુઝની અંદર એન્ટરટેનમેન્ટ, ભોજન સહિતની તમામ સુવિધા ઉચ્ચ કક્ષાની છે અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનું ક્રુઝ બનાવવામાં આવ્યું છે. ક્રુઝ આ મહિને 21 અને 28 એમ હજી બે વખત દીવ આવશે અને મહિનામાં 3 વખત દીવ મુંબઈની 3 ટ્રીપ કરશે. મુંબઈથી દીવ પહોંચતા ક્રુઝને અંદાજે 12 કલાકનો સમય લાગે છે. ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. पहले हम लोग कभी स्टार क्रूज वर्गो पे गए थे, दैट वॉज गुड. लेकिन इसको देख के बहुत अच्छा लगा जलेश का कि हम अपने ही भारत में, हमारा इतना अच्छा क्रूज है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, बड़े रूम्स, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स, बहुत अच्छा. और सबसे अच्छा था जो उन्होंने स्वागत किया, जो हमारे बिल्कुल इंडियन तरीके से टीका लगाना, फूल माला पहनाना, फूल देना, ये मुझे यहाँ दमन में भी एक इतना प्यारा सा फूल मिला है, बहुत अच्छा लगा. जलेश क्रूज है वो यहाँ पर डॉक हुई है, तो बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. और साथ में जिस हिसाब से यहाँ पर सभी ने हम सभी को वेलकम किया है, तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आप सभी को दिल से धन्यवाद. और यहाँ के जो भी टूरिज्म है वो डेफिनेटली ये सब चीजों से टूरिज्म को बहुत हेल्प मिलेगी. क्रूज आखी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रूज आ लोगों बनाई है, इन अंदर फेसिलिटी तो बहुत फेंटास्टिक है, પ્લસ જમવા ખાવાનું બહુ સરસ છે. એ લોકોની જે સુવિધામાં બધી જ ફેસિલિટી છે, અને પ્લસ લાઈવ ડાન્સ શો, પ્લસ એમાં મ્યુઝિક પ્રોગ્રામો, પ્લસ જે સ્ટાફ છે, સ્ટાફની જે નમ્રપણું ને વિનમ્રપણું છે એ બહુ જ સરસ છે. એટલે મને તો બહુ જ ગમ્યું. હમ લોકો કો નયે પોર્ટ્સ ખોલને કા જો ઓપ્શન થા, હમ લોગ દીવ કાફી ટાઈમ સે દેખ રહે થે. દીવ મે થોડા બહોત डेप्थ का प्रॉब्लम था, बट ये पहला कॉल है और इस बार 385 पैसेंजर्स के साथ आए हैं. अब अगला कॉल दीव में 21 नवंबर को है, उसके बाद 28 नवंबर को है, और बेसिकली अगले 2-3 महीने में हर महीने में 3 कॉल हम दीव में आएंगे जी. तो ये मुंबई से चलेगी और दीव आके 9 से 10 घंटा रुकेगी और फिर वापस निकल जाएगी. देखिए बॉम्बे से 12 घंटे लगते हैं दीव आने में, 140 नॉटिकल माइल्स है, और इसमें जो एवरेज टैरिफ है वो 8000 रुपये का है पर पैसेंजर पर डे. 4 टाइप के कैबिन्स हैं, बेसिकली मिनी सूट है, बालकनी कैबिन्स हैं, ओशियन व्यू है, इंटीरियर है, तो अलग अलग एवरेज 8000 की है.